कि आप लोगों के बीच में एक बार फिर से एकता कपूर ने एक नया फैसला लिया है नागिन 6 से। जी हाँ, बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है नागिन 6 के लिए, जो कि आज मैं आप लोगों के सामने साझा करने जा रहा हूँ। जैसा कि सभी दोस्तों को पता ही है कि नागिन 6 में अभी आप देख रहे होंगे तेजस्वी प्रकाश को, लेकिन रूबीना दिलैक का आखिर क्या किरदार होने जा रहा है और एकता कपूर ने अपना एक बार फिर से कैसा डिसीजन चेंज किया है महक चहल को लेकर, सभी दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों के बीच में जल्दी ही नागिन 6 से बड़े अपडेट आ रही है। तेजस्वी प्रकाश के साथ में एक नई नागिन जुड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, गाइज अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं नागिन 6 की, जिसमें रूबीना दिलैक की पुनः एंट्री हो रही है, जो कि एकता कपूर ने काफ़ी समय पहले ही इस बात का खुलासा कर दिया था कि रूबीना दिलैक की एंट्री हो रही है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी की एंट्री हो चुकी थी। लेकिन हाल ही में ही रूबीना दिलैक के और एकता कपूर के डिसीजन ने सभी की आंखें खोल दी हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि रूबीना दिलैक एक बार फिर से नागिन सीजन 6 में, जो कि महक चहल और इधर बात की जाए तो सिम्बा नागपाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि रूबीना दिलैक की एंट्री से इस समय पूरी ही स्टार कास्ट काफ़ी खुश नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में नागिन 6 का एक प्रमोट जारी किया जाएगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि आपकी अपनी फेवरेट हसीना यानी नई नागिन रूबीना दिलैक सिम्बा नागपाल के साथ में भी रोमांस करती हुई नजर आने वाली हैं। अक्सर देखा गया है कि नागिन 6 के लिए इस समय सबसे अच्छी TRP लाने के लिए जो कि शामिल किया जा रहा है रूबीना दिलैक को, लेकिन उससे पहले भी अदा खान का नाम भी आया था, लेकिन अदा खान का नाम अब पूरी तरीका से कैंसिल हो चुका है और फाइनली रूबीना दिलैक की एंट्री हो रही है, क्योंकि फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं रूबीना दिलैक के नाम से, क्योंकि रूबीना दिलैक एक ऐसी सेलिब्रिटी रही हैं जिन्होंने बिग बॉस 14 का खिताब अपने नाम किया था, और लोगों को पता है कि महक चहल और तेजस्वी प्रकाश वो हैं कि जिन्होंने बिग बॉस 15 का खिताब अपने नाम किया था, वो इस समय बने हुए हैं। दोस्तों पुनः निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।